नमस्कार। कई बार क्या होता है, वास्तु के अनुसार हम घर बना रहे हैं। मैंने कई किस्म देखा कि घर बनते बनते बीच में रह गया, छत नहीं बन पाई, दीवार प्लास्टर नहीं हुआ, फर्श नहीं हो पाया, एक मंजिल अच्छा हो गया, दूसरी मंजिल पे दीवार खड़ी कर दी, पूरा नहीं हो पाया। ऐसे प्लॉट में, ऐसे भवनों में अगर वो अधूरा निर्माण आता है और कुछ दिन उसमें छूट जाता है, कुछ काम नहीं होता, तो राहु का वास होता है। राहु के वास होने से उस घर में जो काम आपने छोड़े हैं अधूरे, वो पूरे नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप की पूंजी कम है तो कम बनाइए, एक मंजिल बनाइए। जब आपका विचार होगा कई साल बाद दो मंजिल लगा बनाने, तब बनाइए, लेकिन सारा निर्माण एक साथ करिए, क्षमताओं के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। आपने एक कमरा बना लिया, वन रूम सेट बना लिया, यानी फर्स्ट फ्लोर बना लिया, लेकिन ऊपर आपने दीवार खड़ी कर दी, पता लगा कि पैसे खत्म हो गए हैं या बैंक से लोन नहीं हुआ है, तो वह काम अधूरा हो गया, फिर वो काम आपको पूरा नहीं होगा। मैंने बहुत से केस देखे हैं, उसमें राहु का वास है। और ऐसे प्लॉट में रहना भी अच्छा नहीं होता। घर में दरिद्रता, अशांति, पारिवारिक विद्रोह मैंने देखे हैं। तो अगर ऐसा है तो एक काम कर सकते हैं, उपाय तो है बहुत अच्छा, करेंगे। यदि आपके घर में ऐसी स्थिति है कि प्लॉट तो बन गया, मकान बन गया है, नीचे वाला ऊपर नहीं बन पा रहा है, या छत नहीं पड़ी है, अथवा प्लास्टर नहीं हुआ है, फर्श रह गया है, तो उसके लिए अपने घर के दक्षिण पश्चिम में हनुमान जी का झंडा लगा दीजिए, मंगलवार को कपि ध्वज लगा दीजिए, और द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह पीले सिंदूर से लगाइए, तो आपका जो रुका हुआ काम है उसको बनाने के लिए योग्य वातावरण बन जाएगा, कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाएगी और आप पूरा कर देंगे। ये बहुत ही अद्भुत उपाय है, करिए। और मेरा तो निवेदन है कि जितनी क्षमता हो उतना ही बनाएं, नहीं तो मत बनाएं, क्योंकि अधूरे निर्माण में राहु का वास होता है, फिर राहु अशांति कर देता है। धन्यवाद।